हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने बहुलोक फिजिक्स का बेहतर टॉपिक्स डायमेंशनल फार्मूला बीमा निकालने के लिए आज बताएंगे। डायमेंशन किस तरह से हम निकालते हैं उसके बताने काम करेंगे। तो बिना लेट किए ये छोटे से वीडियो में आपको हम बेहतर तरीका से बताने की कोशिश करूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो चालू करते हैं बिना लेट किए हुए। बहुलोक डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला बीमीय सूत्र। बहुलोक आपको पहले ये जो नोट हम लिखाए हैं वो नोट को याद करना पड़ेगा। मात्र आपको यही वाला पॉइंट याद करना पड़ेगा इतना। अगर ये तीन चीज समझ में आ जाता है, तीन सभी के सभी को जितना भी है फिजिक्स में फॉर्मूला उस सभी टॉपिक के आप बहुलोक डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लोगे। तो देखते हैं सर, ये तीन ये जो घेरा लगाए हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो समझो कि पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए, बक्सा में कर दिए हैं बंद। तो देखते हैं क्या लंबाई का इंग्लिश में लेंथ कहते हैं और इसका ऐसा मात्रा का मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। और इसे हम मीटर को एम से डिनोटेट करते हैं। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं और मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, अर्थात केजी होता है शॉर्ट, मतलब इसका संकेत क्या होता है? केजी। समय, तो समय का बहुलोक एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड, और सेकेंड को हम लोग एस से डिनोटेट करते हैं। तापमान जिसे टेम्परेचर कहते हैं और ये टेम्परेचर का एसआई मात्रा केल्विन होता है, केल्विन को हम लोग बहुलोक के से डिनोटेड करते हैं। देखते हैं बहुलोक की विद्युत धारा, विद्युत धारा को करंट कहते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक करंट, और ये इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा मात्रा एम्पियर होता है और हम लोग इसे बहुलोक एम्पियर ही कहते हैं। तो देखते हैं लेंथ को, लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं जिसका ऐसा मात्रा मीटर होता है, और ये मीटर को एम से डिनोटेड करते हैं। किससे डिनोटेड करते हैं? एम से डिनोटेट करते हैं। करते हैं तो देखो यहां पे लंबाई, तो बताओ बाबू कि लंबाई को हम लोग मीटर कहें ऐसा यूनिट, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एल। एल से लेंथ, अब एल इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। द्रव्यमान का इंग्लिश में मास कहते हैं और मास को ही एम कहते हैं, मैंने शुरुआती जो नेम है वो नेम को ही ले आ जाता है डायमेंशन। इतना समझ में आया कि लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं और एल मैंने लेंथ होता है, एल को एल लिखते हैं डायमेंशन। द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं और मास एम से डिनोटेड होता है इसलिए एम लिख दिए। समय को टाइम कहते हैं और टाइम को ही बड़ा अक्षर को कैपिटल टी से डिनोटेड करते हैं डायमेंशन में। बहुलोक टेम्परेचर कैसे मात्रक केल्विन होता है और इसका केल्विन वाला हम लोग शुरुआती वाला ले लिए हैं। बहुलोक विद्युत धारा की करंट होता है इंग्लिश, तो इसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, एम्पियर वाला ए ले लेते हैं। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा, इससे बाहरी आपको ये गुण नहीं पूछेगा। लेंथ को, लंबाई को लेंथ कहते हैं और इसका डायमेंशन क्या होता है? एल होता है। द्रव्यमान को मास कहते हैं और इसका डायमेंशन एम होता है। समय को टाइम कहते हैं और टाइम वाला शुरुआती वाला को ही लेते हैं टी, जैसे लेंथ के शुरुआती वाला एल लिए, मास के एम लिए और टी के टी लिए। और टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है और केल्विन को के से डिनोटेड किया, शुरुआती वाला अक्षर ले लिया हम लोग केल्विन। और बहुलोक विद्युत धारा के ऐसा मात्रा एम्पियर, एम्पियर वाला ए ले लिया हम लोग। तो इतना समझ में आ गया होगा कि लंबाई का डायमेंशन एल होता है, द्रव्यमान का डायमेंशन एम होता है और समय का डायमेंशन टी होता है और टेम्परेचर के और विद्युत धारा के ए होता है। बस आपको इतना समझ में आ गया तो पूरा फिजिक्स के आप डायमेंशन फॉर्मूला बनाना सीख गए। देखते हैं कैसे। तो आपको एसआई यूनिट याद रहना चाहिए,
एसआई यूनिट की सहायता से ये बनता। तो हम एसआई यूनिट पिछला लेक्चर में हम बताए हैं, वो नहीं देखा है वीडियो तो जाके देख लीजिए। फिजिक्स के प्रत्येक टॉपिक के फार्मूला और बहुत लोग एसआई यूनिट निकालने के लिए हम बताए हैं, तो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए और उसके बाद ये वाला टॉपिक समझ में आने लगेगा। तो देखते हैं भौतिक क्षेत्रफल का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो अभी हम बताएं कि मीटर का डायमेंशन क्या होता है, एल। तो मीटर स्क्वायर है, मीटर के बदले क्या लिख दिया, एल, और स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिए। और देखो इसको चौपट्टी से ब्रैकेट कर दिए, क्या कर दिए, ब्रैकेट। आयतन का ऐसा मात्रक मीटर की होता। अब अभी हम तुरंत देखें मीटर का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है। तो एल लिख दिए और क्यू के क्यू लिख दिए, कुछ नहीं है। मान लो मीटर को एल लिखे, मीटर के बदले क्या लिखे हम लोग, डायमेंशन एल। मीटर का देखो, मीटर का लंबाई का देखो, मीटर का डायमेंशन एल होता है। क्या तो होता है, यहाँ पे देखे हम कि सर जो लेंथ होता है, लेंथ को ऐसा यूनिट मीटर, और मीटर के बदले हम क्या लिखे, एल। तो उसी प्रकार यहाँ एम है, तो एम के क्या लिख दिए, एल। एम के क्या लिख दिए, एल। एम स्क्वायर है तो एल स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे मीटर क्यू, तो मीटर क्यू के जगह एम के जगह एल लिखे और क्यू को क्यू लिख दिए और ब्रैकेट कर दिए। आगे लिखा हुआ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, तो मीटर के बदले क्या लिखे यहाँ पे, एल लिख दिए। अब और सेकेंड के बदले क्या लिख दिए, तो टाइम। सेकेंड के बदले क्या लेना हमको, टाइम लेना। सेकेंड के बदले टाइम के क्या कहते हैं, अति ऐसा यूनिट सेकेंड, और सेकेंड के डायमेंशन क्या होता है, टी। तो बाबू लोग मीटर के तो एल लिए और समय को सेकेंड के टी लेंगे, इनवर्स से इनवर्स लगा देंगे। बताओ दम, आप ये जान गए ये तीन पॉइंट पूरा, आपको खत्म, एक कॉन्सेप्ट एक लॉजिक पर पूरा डायमेंशन फॉर्मूला आपको आ जाएगा। अब आगे देखिएगा सर, चाल मीटर पर सेकेंड का एसआई मात्रक किसका होता है, चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, और वेलोसिटी का भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा, दोनों का सेम होगा, चाल और वेग का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। अब आगे देखते हैं त्वरण एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो मीटर के बदले क्या लिख दिए, एल लिख दिए, क्या लिख दिए, एल, और सेकेंड के बदले टी लिख दिए, इनवर्स के इनवर्स कर दिए। तो आप लगता है आप लोगों के सभी को बनाने आ जाएगा, केवल एसआई मात्रक याद रखना। अब आगे चलते हैं, बल का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी के बदले एम लिख दिए, केजी के बाद क्या लिखना आप लोगों को बाबू, देखो द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के क्या लिखना है, किलोग्राम। तो किलोग्राम को डायमेंशन में क्या लिखते हैं, एम। देखो एम से मास, एम से द्रव्यमान, एम से मास, एम से द्रव्यमान। देखो एम से मास हो गया और द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास, और मास के बड़का ही लेना है। तो यहां पर समझना है कि एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, मीटर के बदले एल लिख दिए और सेकेंड के बदले टी लिख दिए। आगे चलना है बल, फोर्स, तो फोर्स में क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी के बदले हम एम लिए, केजी के बदले क्या लिए, एम, और मीटर के बदले क्या ले लिए, एल, और सेकेंड के बदले क्या ले लिए, टी। तो बताओ कि केजी के बदले हम एम लेते हैं, अभी हम देखे केजी के बदले क्या लेना आपको, एम लेना, क्या लेना है, एम, और बाबू लोग मीटर के बदले क्या लेना है, एल। तो बाबू लोग केजी के बदले एम लेना है और मीटर के बदले क्या लेना है, एल लेना है, और समय की जगह क्या लेना आप लोग को, तो टी लेना। तो बताइए केजी के जगह एम ले लिए और मीटर के जगह एल ले लिए और समय के जगह टी ले लिए, इनवर्स है तीन वर्ष कर दिए, बस निकल गया डायमेंशन फॉर्मूला इसका। अब आगे देखते हैं मोमेंटम, मोमेंटम माने संवेग, तो संवेग का ऐसा मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड, यहां तक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। तो एम के केजी के बदले एम लिख दिए, मीटर के बदले एल लिख दिया, और सेकंड के बदले टी लिख दिए, और बाहर मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, पर सेकंड स्क्वायर कर दिए।
अब देखो संवेग, तो संवेग को इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम। क्या कहते हैं? मोमेंटम। और ये मोमेंटम का ऐसा मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड होता है। तो केजी मीटर पर सेकंड होता है, तो केजी के बदले एम लिख दिए, केजी के बदले क्या लिख दिए? एम। और मीटर के बदले क्या लिख दिए? एम। और सेकंड के बदले क्या लिख दिए? टी। इनवर्स के तीन वर्ष, केजी के बदले एम लिखना, एम के बदले एल लिखना, और समय के बदले टी लिखना। जैसे हम देख रहे हैं एम के बदले एल लेना, केजी के बदले टी एम लेना, और एस के बदले टी लेना। तो तीन कॉन्सेप्ट, एम के बदले एल, केजी के बदले एम, और एस के बदले टी। तो टाइम को सेकेंड, मास के केजी, और लेंथ के मीटर। लेंथ के मीटर, एल से लेंथ, लेंथ का ऐसा मात्रक मीटर, और मास, मास के ऐसा यूनिट केजी, और टाइम टी, टी माने टाइम, टाइम का ऐसा मात्रक सेकेंड। लेंथ के एम होता है, और मास के केजी होता है, और टाइम के सेकेंड होता है। लेंथ के मीटर होता है एम, और मास के किलोग्राम होता है केजी, और टाइम के क्या होता है? सेकेंड, जिसे एस। तो आपको बैठा देना, आपको केवल एसआई यूनिट याद रखना चाहिए। एसआई यूनिट याद है तो आप आंख मूंद के बना दीजिएगा कि आपको मीटर के बदले एल लेना, केजी के बदले एम लेना, समय के बदले टी। बाकी पूरा फिजिक्स की डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकलना आ जाएगा। और अगर विद्युत धारा दिया तो एम्पियर के बदले ए लेना है, एम्पियर के बदले क्या लेना है? अगर एम्पियर उसमें दिया हुआ तो एम्पियर जगह क्या लेना? ए। और केल्विन वाला तो पूछ ही नहीं करता है। अगर दे भी दिया है तो केल्विन के बदले क्या लिखना है? के। एम्पियर के बदले ए, केल्विन के बदले के, और टाइम के अति सेकंड के बदले टी, और किलोग्राम के बदले एम, और मीटर के बदले एल लेना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो गया, मीटर क्यू है तो एल क्यू हो गया, मीटर है तो एल लिख दिए, सेकंड है तो टी लिख दिया, और इनवर्स से तीन वर्ष कर दिए। इसी प्रकार आगे सब लिखा गया है। आगे देखते हैं यहां पर भी, तो बाहु लोग सेम के सेम है। देखो आवेग का ऐसा मात्रक केजी मीटर पर सेकंड होता है, तो केजी के एम लिख दिए, मीटर के एल लिख दिए, और समय के सेकंड लिख दिए। बाकी आपको सब लिखा हुआ है, आपको बैठा के लिख देना है, बाकी आप बना लीजिएगा उतार के। और देखो बाहुलोक यहाँ पे समझना, अगर कुछ न, देखिए तीन को फॉर्म होती है, इस देखो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, वो एम नोट पॉइंट करके लिख लेना कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो एम एल और टी के रूप में होता है, एम एल और टी के रूप में होता है। अगर देखना यहाँ पर देख लेते हम सर, यहां पर ऐसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसको हम देखो ध्यान से रखना, नोट पॉइंट लिख लेना कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला जो लिखा था वो एम एल और टी, एम एल टी के रूप में लिखा था। तो सर जी यहां पर तो केवल एल है, इस रूप में तो नजर नहीं आ रहा, तो नजर ना आ रहा तो कर दो इसको ऐसे, एम जीरो एल पावर टू है और टी जीरो, टी नहीं है तो जीरो लगा देना है, टी नहीं है तो क्या लगा देना? जीरो लगा देना। क्या लगा देना बाबू? एम। आगे देखो यहां पर केवल एल है, एम है तो एम के बदले एल लिख दिए, एल पे पावर टू हो गया, क्या हो गया? टू। और बताओ कि और कुछ ना है तो आप लोग उसके ऊपर जीरो लगा देंगे, कुछ ना है तो जीरो, आई जानो करता है। अगर एम पे पावर जीरो या टी पे पावर जीरो होता तो उसका बदले एक होता, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, एम पे पावर जीरो, आई एल पर थ्री, आर टी पर जीरो। तो चाहे आप ये भी लिख सकते हैं, चाहे ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी कोई गलती करने वाला नहीं। तो बाबू लोग सब सेम होता, तो आपको नोट पॉइंट याद रखना, ये वाला पॉइंट हुआ कि नोट पॉइंट में क्या है कि ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो एम एल और टी के रूप में होता है, एम एल टी के रूप में होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी, देखो यहाँ पे केवल एल था, टी भी गलत नहीं है, लेकिन आपको इस रूप में सजा के लिखना है, इस रूप में सजा के रूप लिखना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसी फॉर्म होता है। जैसे यहां पे देख लेते हैं, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का ऐसा मात्र केजी पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी के बदले एम लिख दिए, और सेकेंड के बदले टी लिख दिए, और माइनस टू है माने पर सेकेंड टू है। तो बाबू लोग केजी के बदले एम लिख दिए और समय के बदले टी लिख दिए। सर तो एल जीरो है तो है ये नहीं, तो एल जीरो ले लेंगे। अगर कुछ नहीं रहे वो वाला माने यहाँ पे क्या लेंथ या नहीं, मीटर नहीं दिया तो जीरो ले लिए,
तो ओकरा से कोई दिक्कत नहीं होता। जिस तरह में यहां देख ली कि एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर केवल ले लिए और बाकी दोनों ने है तो ओकरा पर जीरो बैठा दी। रहेगा तब नहीं लेंगे, रहे नहीं करेगा तो कहां से लेंगे, तो जीरो बैठा देना उसके बदले। आगे देख लेते हैं, इसमें कोणीय वेग में एंगुलर वेलोसिटी में देखते हैं इसका ऐसा मात्र केवल पर सेकेंड होता है। क्या होता है? पर सेकेंड होता है, पर सेकेंड होता है। कोणीय वेग का ऐसा यूनिट पर सेकेंड होता है। तो बताओ इसमें केवल सेकेंड दिया, अब आपकी कुछ नहीं दिया तो एम के जीरो लिख देंगे, कुछ ना है। देखो सेकेंड को क्या लिख दिया, टी पावर माइनस टू। अगर इसको लिखना चाहते हो तो केवल ऐसे भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकेले ऐसे रहता है तो बेकार लगता है, ये डायमेंशनल के रूप में उतना नहीं नजर आता। इसलिए आप पावलोग सेकेंड है तो टाइम लिख दिए, सेकेंड है तो क्या लिख दिए, टाइम इनवर्स इनवर्स वन को वन, और बाकी कुछ नहीं है तो एम्प पर जीरो। मास नहीं, केजी नहीं दिया तो केजी नहीं दिया, तेल पर जीरो कर देंगे। मीटर भी नहीं दिया, तेल पर जीरो कर देंगे। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बाकी जो है बचा हुआ वो अपने आप से बनाना है और समझना है। तो आपको हमको विश्वास है क्या कि आपको बनाना आ गया होगा। तो आप पूरा फिजिक्स के इसी तरीका से जितना भी फॉर्मूला है उस सभी का ऐसा यूनिट निकाल के और उस पर बैठा देना। फिर से लेंथ को मीटर होता है ऐसा मात्रक, और मीटर के डायमेंशनल एल होता है। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, और मास को ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, और किलोग्राम को डायमेंशनल एम होता है। टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, और सेकेंड का टी से डिनोटेड करते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा मात्रक केल्विन, और केल्विन को के से डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, के होता है। और विद्युत धारा के करंट, और इसका ऐसा मात्रक एम्पियर, और एम्पियर को डायमेंशनल क्या होता है, ए होता है। इसी प्रकार मीटर के स्क्वायर को एल स्क्वायर, इसे आपको आगे होगा निकालने के लिए। अब आप पे एक नोट पॉइंट ये लिख लेना कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो एम एल और टी के रूप में होता है, एम एल टी के रूप में होता है। अगर कुछ न रहे केवल एकात, जैसे यहां पर देख ली केवल एल है तो केवल एल है तो एल वाला लिख दिए, बाकी जो नहीं है उस पर जीरो बैठा देना। मानो एम वाला रहेगा तब नहीं लिखेंगे, अगर नहीं रहेगा तो जीरो बैठा देंगे। केवल एल वाला था तो एल पर लिख दिए, उसी प्रकार यहां सेकंड वाला खाली है तो सेकंड पर लिख दिए, बाकी जो नहीं है उस पर जीरो लिख दिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक शहरी भाव क्या, शहरी क्या है, कहता क्या है, एक व्यक्ति काम, देखो नाम से काम नहीं होता, नाम से काम नहीं, काम से नाम होना चाहिए, नाम से काम नहीं, काम से नाम होना चाहिए। और काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, और नाम ऐसा बनाओ, नाम ऐसा बनाना है कि नाम सुनते ही हमारा काम हो जाए। तो बाव लोग, तुम लोग इस तरह अपना नाम बनाइए ताकि नाम सुनते ही आपका काम हो जाए। ये नहीं कि बाबू लोग, कहना क्या था कि बाबू लोग कोई भी माने नाम से काम नहीं, नाम से काम नहीं, और काम से नाम होनी चाहिए, नाम से काम नहीं, काम से नाम होनी चाहिए। काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, और नाम बनाओ ऐसा कि नाम सुनते ही काम बन जाए। तो जय हिंद, जय भारत।